तुम लोग बड़ी आसानी से रामायण पढ़ लेता है, कथा कहानी केवल बबुआ का खेल समझ लेता है। बबुआ का खेल नहीं है राम का जिंदगी। राम का जिंदगी हर समय कठोर परीक्षण में रहा है। आचार्य सुनील जी, आप लोग थोड़े थोड़े में परीक्षण में घबरा जाता है, कितना कठोर है ना, पढ़ने पर तो घबरा के भाग जाएगा, बड़ा कठोर है। जितना बड़ा एम एन ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होना होगा। जितना बड़ा यज्ञ करेगा उतनी ही बड़ी आहुत देनी पड़ेगी, और आहुत दूसरे को नहीं देना पड़ता है, अपने को देना पड़ता है। लक्ष्मण लेकर चल दिया, सरयू से लेकर के चला, जहां गंगा का संगम और सरयू का संगम है, वहीं पर वाल्मीकि का आश्रम था। उसके थोड़ा देर पहले ही 1-2 किलोमीटर कहे कि यहां लगा दो किनारे, और तुम लोग वह संगम से आगे निकल जाओ, सब लोग जानकी को यहां वीरान स्थान में उतार देना है। जानकी उतार दी गई, लक्ष्मण उतारे, और तब तक से देखे कि उधर से एक जंगली भालू आ रहा था, तेजी से झपटने के लिए भी भूखा होगा। लक्ष्मण बड़ी तेजी से ऐसा भालू पर वार किए जानकी के नजदीक, उधर से भी देखता था क्या हो रहा है, क्या होता है। जिसको तुम कहेगा जितना तुम जाओ इधर देखना, नहीं तो घूम घूम देखेगा ना। वह भी कान थे, नाक थे, उधर से चले थे, CBI के गण थे, घूम घूम देख रहे थे। वह तो देखे कि तलवार छोड़ा और खून से लथपथ निकला, यानी जानकी को यह तो मार दिया। हे भगवान, घोर चित्कार किया दोनों, हे भगवान, तो घोर अन्याय कर दिया, अब क्या होगा। वशिष्ठ स्वयं मारा गया, जानकी को मार देना, वशिष्ठ को मार देना, खत्म। अब न रहा बाण न बाजे बछड़ी, अब किस पर राजनीति होगी। अब मुड़ी फेर लिया, वह भी जाकर के थोड़ी दूर पर बुलाया नाव और बैठ गया, कहा कि इस तलवार को धो दो गंगा में। उन्हीं लोगों से धुलवाया भी और तुरंत उस पार का नौका बदलकर चल दिया, इस क्षेत्र से नहीं दूसरे क्षेत्र से, डिस्टेंस दिखाई नहीं पड़े, और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचते ही बड़ी बेचैनी में वशिष्ठ अपने उपवन में टहल रहे थे। तब तक से दोनों गण CBI पहुंचे, डायरेक्टर, क्या हुआ, सीता की हत्या, हट बकवास कर रहे हो, किसके द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, देखा है तुमने, हां देखा ही नहीं, तलवार का खून मैं धोया हूं, और वशिष्ठ धाम से गिर गए। पृथ्वी राम तुम बड़े खतरनाक हो, विश्वामित्र तुम बड़े खतरनाक हो, मेरी सारी पॉलिटिक्स कूटनीति समाप्त कर दिया है। अब राम शादी करता है या नहीं करता है देखते हैं। इसीलिए राम को बार बार शादी करने के लिए वशिष्ठ आया है रामायण में, बार बार शादी करने के लिए तंग करते रहे, बार बार कहते रहे कि पत्नी तो एक ही होती है ना, राजा राम की रानी पत्नी का वनवास हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत एक राम का जिंदगी अलग है गुरुवर, और उस राम की पत्नी तो जानकी ही है ना, इसलिए शादी तो एक बार होती है, अब क्या शादी होगा। यज्ञ में भी बहुत उन्होंने जोर दिया है, तुम लोग जानते हो यज्ञ बिना पत्नी का नहीं होता, उसमें कहे हैं कि अब यज्ञ कैसे कर पाओगे, यज्ञ हो या तो राजगद्दी से हटो, भरत को राजा बनने दो, वह पत्नी के साथ राज्य करेगा, यानी तुम शादी करो। लेकिन वह भी रात भर ध्यान किया अपने गुरु का, और सुबह उत्तर दिया, गुरु जी आप शिव जी का मंदिर बनाते हैं तो हाँ, दुर्गा के भी बनाते हैं तो हाँ, पत्थर का बना देते हैं तो हाँ बना देते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं गुरु जी, आप पूजा करा देते हैं तो मैं सोने का जानकी बना देता हूँ, उसमें प्रतिष्ठा कर दीजिए और मेरे बगल में बैठा दीजिए और अश्वमेघ यज्ञ शुरू कर दीजिए। बोलिए श्री राम की। राम का बड़ा कठोर उत्तर हुआ, कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कितनी कठोर जिंदगी है ना, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं।
तुम लोग अभी जलना तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो बड़ा आसानी आसानी से गुजर रहा है। इसलिए देखो यह दो बार राम का परीक्षण हुआ, दो बार ही उन्होंने फोन किया गुरु को, फिर तीसरा बार नहीं मिलता है। और इस बीच में वाल्मीकि का, अब तुम लोग जानते ही हो, वाल्मीकि ऋषि जानकी को ले गए अपने। वन देवी कहकर और रामायण उन पुत्रों को पेट से ही सिखाना शुरू कर दिए। मैं कहता गर्भ से सीखना होगा, गर्भ से शुरू कर दिए थे स्वर विद्या का जानकारी। और लड़के हुए 5 वर्ष होते होते, 7 वर्ष होते होते सब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। यह हम कहते हैं कि तुम लोग एक बार यदि ठीक ठीक किसी सदगुरु के शरण में चला गया और उसकी बात मान लिया, अपने तन और मन को अर्पित कर दिया, तो वह बेड़ा पार कर देगा। यदि तुम ठीक ठीक नहीं माना, तुमको जितनी बड़ी परीक्षाएं देनी होगी, जितनी परीक्षाओं से मत घबराओ, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल दिया जाता है। आईएएस का परीक्षा कितना कठोर होता है, डॉक्टर इंजीनियर का भी परीक्षा होता है, लेकिन तुम परीक्षा से घबरा जाता है। मैं दिल्ली की बात निकाला था, उसके बाद अपने टॉपिक पर आऊं। अनंत पाल दिल्ली के राजा थे, उनके गुरुजी स्वरदेही थे। गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा काम कीजिए कि हमारा राज अस्थाई हो। कैसे अस्थाई रहेगा, होनहारी बड़ी विचित्र है, बात यह नोट कर लो, यदि गृह निर्माण करना है, मंदिर बनाना है, तालाब बनाना है, यदि चंद्र स्वर चलता हो और पृथ्वी तत्व चलता हो, तब तुम गृह निर्माण का कार्य शुरू करता है वह अटल होगा और तुम्हें सफलता मिलेगी। चंद्र स्वर में सारे धार्मिक काम किए जाते हैं, मंदिर का निर्माण करो, गुरुद्वारा का निर्माण करो, जलाशय का निर्माण करो, शांति पूजा करो, ध्यान करो, शांति में काम करो, शांति का कार्य। उतना ही नहीं, आज शादियां क्यों छूट रही है, आज इधर शादी हुआ नहीं कि छूट गई, टाटा तलाक हो गया, तुम लोग नहीं देखता है। यदि चंद्र स्वर में शादियां करो, पति पत्नी का चंद्र स्वर में फेरा दो, देखो पंडित है शादी कराता है, ध्यान रखो, जिसका शादी तोड़वा देना हो तो उल्टा कर देना, जिसका शादी चला देना हो चंद्र स्वर में शादी करो और पृथ्वी स्वर में उसका परिक्रमा कराओ, वह शादी कभी टूटेगी नहीं, ना झगड़ा होगा, पति पत्नी में बड़ा अमोघ प्रेम रहेगा। अब नहीं है तो आपसे कर लेना तो हम लोग स्वरोदय भूल आ गए, इसके माध्यम से तुम्हें बताते जा रहा हूं। पैसा तुम रखते हो टिकता नहीं है, तिजोरी में पैसा जब तुमको रखना हो तो चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व जब चलता हो उस समय तिजोरी में पैसा रखो, एक रखेगा 10 होगा, 10 रखेगा 1000 होगा, उसमें से भी 150 हमको भी दे देना। किसी से पैसा ले रहा है चंद्र स्वर में लो, और किसी को जब दे रहा है पैसा तो स्वर खींचते हुए, अंदर खींचते हुए दाहिने स्वर में दो। पैसा जब दे रहा है अंदर स्वर खींचते हुए दाहिने स्वर में दो, जब तुम्हारा स्वर बाएं निकल रहा है बाहर, पैसा किसी को दे देगा वह लौटेगा नहीं। जय सच्चिदानंद, लाख लिखा पढ़ी करो लौटेगा नहीं, आशा जी से देती है दाहिने स्वर में खींच।
में भी गुरु जी सूर्योदय थे, बाएं स्वर में उन्होंने कील ठोक दिया, कहा कि चलो यहां पर गृह प्रवेश कराओ, किला बनाओ, किला बनाओ बाएं स्वर। पृथ्वी तत्व में उन्होंने किला ठोक दिया, समझ गया महामुनि। लेकिन इधर अनंगपाल और इनके सहयोगी ने कहा गुरु जी कौन सा किला ठोक दिए, कहते हैं कि चलो तुम्हारा राज अस्थाई हो गया दिल्ली का, मुफ्त में किया गया बात पर विश्वास नहीं होता है ना, गुरु जी लिए रहते बहुत कुछ विश्वास करता, हम लोग भी जाकर कहीं कुछ साधारण से कह देते हैं तो कुछ गुरु जी क्या कहता है, चलो यही तरी हो गया, समझ गया, वो भी गुरु जी तुम्हारे ऐसा हो रहे होंगे ठोक दिए। अनंगपाल के लोगों ने कहा कि यह क्या ठोका है जरा देखे, तो उस किल को उखाड़ा, उखाड़ दिया, जब किल को उखाड़ा दिख रहा है कि नीचे से खून का फब्बारा निकला, सब घबराया और अनंगपाल के यहाँ गया दौड़कर, अनंगपाल गुरु के यहाँ गए दौड़कर, गुरु जी आए कहा कि यह तो किल शेष नाग के मस्तक तक चला गया था, तुम्हारा तम खानदान इतना तक गाड़ दिए थे कि जब तक से शेष नाग का मस्तक रहेगा तब तक से तुम्हारा खानदान रहेगा, अब तो यह मामला गया डवांडोल, किल लगा दिया गया लेकिन किल तो हिल गई, अब तुम्हारा खानदान नहीं चलेगा, तुम्हारे खानदान के बाद चौहान वंश बैठेगा और चौहान वंश के बाद सुल्तान वंश आएगा, मुहम्मद लोदी वंश आएगा, मुसलमान का वंश आएगा और मुसलमानों के वंश के बाद यहाँ पर यह राजसत्ता हिलते रहेगा, मुसलमानों का वंश चल जाएगा, इसके बाद अंग्रेजों का चलेगा, पता नहीं किसका किसका चलेगा, गुरु जी एक ही शब्द में बिना पत्रा देखे कह गए। भविष्यवाणी करता है सूर्योदय, लेकिन सूर्योदय के क्या लगा है तुमको कहने के लिए, यह जोक के लिए बताई गई है बात, लेकिन कभी कभी करुणावश किसी के लिए कर देता है, वह करुणा का कोई कीमत नहीं होता है। अब अनंगपाल को लड़का नहीं हुआ, एक लड़की थी, दो लड़कियां थी, एक लड़की कर्पूरी देवी थी, उसकी शादी अजमेर के चौहान से शादी हो गई, अजमेर अजमीठ राजा के नाम पर बना था, और इसको शॉर्ट में मैं कह रहा हूं इसलिए कि एक बार कह चुका था, देखो एक सूर्योदयी राजा, उस राजा से कर्पूरी से एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली में आया, ननिहाल में आया, 5 साल का था, और जैसे ही एक राजा ने देखा, मध्य प्रदेश का राजा ने देखा इसकी खूबसूरती और इसके चाल चाल ढाल को देखा, कहा कि मैं अपनी लड़की से इसकी शादी करूंगे, कहा ठीक, और राजस्थान के राजा ने, 9 वर्ष का जब यह पृथ्वीराज चौहान हुआ, राजस्थान के राजा ने इसके पिता को हत्या कर दिया धोखे से, 9 वर्ष की अवस्था पर पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी सौंप दी गई, 9 वर्ष की अवस्था में यह राजगद्दी पर बैठ गया, 11 साल की अवस्था में दिल्ली का राज सिंहासन दे दिया गया, और 11 साल की अवस्था में मुहम्मद लोदी अटैक कर दिया और ललकारा, इतनी मार मारा आकि वह सष्टांग प्रणाम करके बार बार कान धर के उठा और बैठा और कहा कि अब छोड़ दीजिए दिल्ली की तरफ, मैं देखूंगा नहीं, उसे छोड़ दिया या प्रथम बार छोड़कर भूल किया, इस तरह से वह 11 बार तक छोड़ते रहा, 11 बार तक लखेत कर मारते रहा, यह लड़का 11 वर्ष की युद्ध शुरू कर दिया, मोहम्मद गजनी को 11 बार मारकर भगाया है 11 वर्ष की उम्र से, यह लड़का इतना पराक्रमी हुआ कि इसके नाना ने याल किया, खबर दिया कि उसके जो तुम कहे हो शादी करने के लिए करो, वो कहा कि मैं शादी नहीं करता इस लड़के से, इसके नाना ने कहा बेटा लड़की को लाओ, शादी उसे तुम्हारी होगी, मैं निश्चित कर चुका हूँ, यह अटैक कर दिया और
उस लड़की के बाप को ऐसे बांधा जिसे कि सुअर को बांध दिया जाता है, और लड़की का अपहरण करके लाया और प्रथम शादी पृथ्वीराज चौहान उसे किया 11 वर्ष की अवस्था में, मुक्त किया राजा को। इसके बाद 11 साल की अवस्था में भिन्न में छेड़ दिया युद्ध, और जहां जहां युद्ध किया, अब इतना डिटेल नहीं कह रहा हूं, 26 शादियां उसकी हुई। 26 साल की अवस्था में, इसी अवस्था में 11 बार उस महत गजनी को भगाया। लेकिन देखो, जब तुम गुरु कृपा छोड़ देते हो, तुम्हारी पुरुषार्थ जो है डवांडोल हो जाती है। इस बीच में संयुक्ता की शादी होने लगी, संयुक्ता 27वां लगभग पत्नी होगी। उस समय उम्र इनकी लगभग 26 वर्ष होने जा रही थी। और जब संयुक्ता का पत्र मिला, जयचंद इनसे खफा रहता था, भारत का सबसे बड़ा राजा जयचंद था, यह तुम्हारा मध्य प्रदेश का सारा भूभाग जयचंद में पड़ता था। जयचंद इस भारत का लगभग सबसे बड़ा राजा था, 1,00,000 सैनिक उसके थे, और एक ही लड़की थी संयुक्ता। जब संयुक्ता युवा अवस्था को प्राप्त हुई, वह पृथ्वीराज से घृणा करता था, उसका स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज को वह निमंत्रण नहीं दिया था, वह दिया पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई को, इनका सलाहकार भी था चंद्रबरदाई, ब्राह्मण था, चंद्रबरदाई को दिया पृथ्वीराज को चिढ़ाने के लिए। लेकिन वहां से एक ब्राह्मण चिट्ठी लाया था कि इस बीच में कर्नाटक पर अटैक किया था, कर्नाटक देखता है कहाँ है महाराष्ट्र का, कर्नाटक, कर्नाटक का राजा ने एक बहुत खूबसूरती की नृत्यांगना को दिया, उसका नाम कर्नाटकी पड़ा, बहुत खूबसूरत बहुत नृत्यांगना थी। उस कर्नाटकी को जब देखा, इनके यहाँ बहुत विश्वास पात्र हो गई थी, कर्नाटकी भी उनसे संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वीराज से संबंध नहीं बनाने दिया। एक भील पुत्री जो इनकी सुरक्षा में हरदम खड़ी रहती थी, या एक वैवाहिक संबंध वहीं से रखो। खैर, जब ये कर्नाटकी को भेज दिए जयचंद के यहाँ, जयचंद के यहाँ जाकर कर्नाटकी कही कि वह राजा बदमाश है, बेहुद्दा है, मैंने छोड़ करके भाग आई हूँ, हमको निकाल दिया है, भाग आई हूँ। जयचंद विश्वास करके अपने अंतःपुरण में सब चल जाने आने लगा, और वह कर्नाटकी संयुक्ता को ट्रेंड कर दिया। संयुक्ता कहने लगी कि मेरी जब शादी होगी तो पृथ्वीराज चौहान से होगी। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक दैविक भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 0986888 6830।